वैशाख पूर्णिमा की कथा सुनने से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण देंगे वैकुंठ की धन संपत्ति यश एवं वैभव तथा हर कष्ट दूर करेंगे भगवान श्री त्रिलोकीनाथ। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को वैशाख सत्यव्रत पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण से हम आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और आपके घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहे। भक्तजनों, आज हम आपको वैशाख माह की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं, तो आप सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि इस ज्ञानमयी और प्राचीन कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा एवं अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि इस महापुण्यदायी कथा का फल उनको भी प्राप्त हो तथा उसका पुण्य भी आपको मिल सकेगा। तो भक्तजनों, अब हम आपको वैशाख माह की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भक्तजनों, पूर्णिमा तो प्रत्येक महीने में आती है और प्रत्येक महीने की पूर्णिमा का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। पूरे वर्ष में 12 पूर्णिमा आती है और सभी पूर्णिमाओं का अलग अलग फल प्राप्त होता है, लेकिन वैशाख माह की जो पूर्णिमा है उसका विशेष महत्व हमारे धर्म ग्रंथों में बताया है। इसे पूर्णिमा नहीं महापूर्णिमा भी कहा गया है, सत्यव्रत पूर्णिमा भी कहा गया है, क्योंकि देवताओं का जब राज्य छीन चुका था उसके पश्चात भगवान श्री हरि नारायण की आज्ञा से समुद्र मंथन हुआ। समुद्र से जो अमृत की प्राप्ति हुई थी उस अमृत का पान देवताओं ने किया तथा उनका खोया हुआ साम्राज्य पुनः उन्हें वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि के दिन प्राप्त हो गया। इसलिए इस पूर्णिमा को महापूर्णिमा का वरदान देवताओं के द्वारा दिया गया तथा देवताओं ने यह भी कहा कि जो कोई भक्त वैशाख पूर्णिमा के दिन दान पुण्य करेगा और अनुष्ठान करेगा, मंत्र जाप करेगा, सिद्धि साधना करेगा, उपाय करेगा, कथा श्रवण करेगा, सुबह जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेगा और जो भी अन्य पुण्य कर्म करेगा उसका अनंत गुना, सहस्त्र गुना, हजारों गुना, लाख गुना और कई गुना अधिक फल की प्राप्ति उसको हो सकेगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसलिए वैशाख की पूर्णिमा को सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी गई है और इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में सभी को स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि स्नान का इस दिन सबसे अधिक महत्व है। अपने नहाने की बाल्टी में आपको गंगा जल डाल लेना है और उस जल से स्नान करना है। स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाएं तथा अपने इष्ट देव का, अपने घर के देवी देवता का पूजन करें और उनका पूजन अर्चन करने के पश्चात घर के जो बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद भी लें और इस दिव्य कथा को अवश्य सुने। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने कहा कि पूर्व काल की बात है, काशीपुर में कीर्तिमान नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे। वे इक्ष्वाकु वंश के भूषण तथा महाराज नरक के पुत्र थे। एक समय गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें वैशाख माह के स्नान दान व्रत नियम के विषय में बताया था, साथ ही यह भी बताया था कि वैशाख माह का महत्व क्या होता है। वैशाख मास स्नान दान की महिमा जान करके राजा कृतिमान बहुत प्रभावित हो गए और उन्होंने जन कल्याण के लिए अपने पूरे राज्य में वैशाख स्नान सबके लिए अनिवार्य कर दिया।
राजा ने यह घोषणा करवा दी कि प्रत्येक व्यक्ति वैशाख स्नान जरूर करे, नहीं तो उनको दंड दिया जाएगा। सभी ने राजा की आज्ञा के अनुसार वैशाख स्नान, दान, व्रत आदि का पालन किया, जिससे सभी मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक को जाते हैं। इससे यमपुरी पूरी तरह सुनी हो गई, वहां सुनसान छा गया। इससे यमराज कुछ दुखी हुए, ब्रह्मा जी से मिलने गए और उन्हें सारी बात बताई। तब भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें पुनः समझाते हुए कहा कि धर्मराज, राजा कीर्तिमान विष्णु धर्म के पालन में तत्पर है, चलो हम लोग भगवान विष्णु के समीप चले और उन्हें सब बात बताकर पीछे उनके कथनानुसार उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य किया जाएगा। वे ही इस जगत के कर्ता है, धर्म के रक्षक और नियामक है, यानी सारे नियम वो ही तैयार करते हैं। इस प्रकार यमराज को आश्वासन दे करके ब्रह्मा जी उनके साथ में क्षीर सागर में भगवान नारायण के पास पहुंच गए। वहां उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप गुणातीत परमेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु का स्तवन किया। ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर के भगवान विष्णु प्रकट हुए और यमराज और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही भगवान नारायण के चरणों में मस्तक झुका करके उन्हें प्रणाम किया। तब भगवान महाविष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उन दोनों से कहा, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमान के शासन काल में सब मनुष्य वैशाख धर्म के पालन में संलग्न होकर के आपके अविनाशी पद को प्राप्त हो रहे हैं। इसे यमपुरी पूरी तरह से सुनी हो गई है। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु हंसते हुए बोले, मैं लक्ष्मी को त्याग दूंगा, अपने प्राण, शरीर, श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि, वैजंती माला, श्वेतोद्दीप, वैकुंठ धाम, क्षीर सागर, शेषनाग तथा गरुड़ जी को भी छोड़ दूंगा, परंतु अपने सद्भक्तों को कभी भी त्याग नहीं कर सकूंगा। जिन्होंने मेरे लिए सब भोगों का त्याग करके अपना जीवन तक मुझे समर्पित कर दिया है, उन्होंने सर्वस्व मुझे समर्पण कर दिया है, जो मुझ में मन लगा करके मेरे स्वरूप को हो गए हैं, उन महाभाग भक्तों को मैं कैसे त्याग कर सकता हूं? और राजा कीर्तिमान को इस पृथ्वी पर मैंने ही 10,000 वर्षों की उम्र प्रदान की है, उसमें से 8,000 वर्ष तो व्यतीत हो गए हैं, शेष आयु और बीत जाने पर उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होगा। उसके बाद पृथ्वी पर बेन नामक दुष्ट आत्मा राजा होगा, जो संपूर्ण वेदोक्त महाधर्मों का लोप कर देगा। उस समय वैशाख माह के धर्म भी छिन्न मिन्न हो जाएंगे, बेन अपने ही पाप से भस्म हो जाएगा। तत्पश्चात मैं प्रथु होकर के पुनः सब धर्मों का प्रचार करूंगा। उस समय लोगों में वैशाख माह के धर्म को भी मैं ही प्रसिद्ध करूंगा। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई ऐसा होता है जो मुझ में अपने मन प्राण अर्पित करके अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर देता है और मेरा भक्त बन जाता है। जो ऐसा होता है वही मेरे धर्म का प्रचार प्रसार इस दुनिया में, इस संसार में करता है। इस वैशाख के पावन पवित्र महीने में मैं वैशाख धर्म में तत्पर रहने वाले महात्मा पुरुषों तथा राजा के द्वारा समयानुसार तुम्हारे लिए भाग दिलवाऊंगा। लोक में जो कोई भी वैशाख माह का व्रत करेंगे वे तुम्हें भाग देने वाले होंगे। धर्मराज को उन्होंने समझाया, उनके वैशाख माह में बताए हुए महाधर्म का पालन में जो है कभी भी विघ्न उपस्थित न करना। यमराज को इस प्रकार आश्वासन दे करके भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी भी अपने सेवकों के साथ सत्यलोक को चले गए। उसके बाद यमराज भी अपनी पुरी को पधारे। वैशाख माह की पूर्णिमा को पहले धर्मराज के उद्देश्य से जल से भरा हुआ घड़ा, दही और अन्न दान करना चाहिए। उसके बाद पितरों, गुरुओं और भगवान महाविष्णु के उद्देश्य से शीतल जल, दही, अन्न, पान और दक्षिणा के साथ कांसे के पात्र में रख करके दान पुण्य ब्राह्मण को करना चाहिए। भगवान श्री महाविष्णु की दिव्य प्रतिमा वैशाख माह की महात्म कथा सुनाने वाले ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। उस धर्म वक्ता ब्राह्मण को अपने धन से भी पूजित करना चाहिए। राजा कीर्तिमान ने सब कुछ उसी प्रकार किया। उन्होंने पृथ्वी पर मनवांछित फलों का भोग करके शेष आयु पूर्ण होने के पश्चात पुत्र, पौत्र आदि के साथ श्री विष्णु के धाम को प्रस्थान किया।
इस प्रकार इस वैशाख महात्म को जो कोई भी सुनता है, सुनाता है, पढ़ता है, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें परम पद की विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। वैशाख माह की पूर्णिमा की एक और महत्व की कथा आती है जो इस प्रकार है। एक समय की बात है, ब्राह्मण ने पूछा कि धर्मराज, वैशाख माह में प्रातःकाल स्नान करके एकाग्रचित्त हुआ पुरुष भगवान माधव का पूजन किस प्रकार करे, आप इसकी विधि का वर्णन करें। धर्मराज ने कहा कि हे ब्राह्मण, पत्तों की जितनी जातियां हैं उन सब में तुलसी और भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है। पुष्कर आदि जितने भी तीर्थ है, गंगा आदि जितनी भी नदियां हैं तथा वासुदेव आदि जो भी देवता है, वे सभी तुलसी दल में निवास करते हैं। अतः तुलसी सर्वदा और सब समय भगवान श्री विष्णु को प्रिय है। कमल और मालती का फूल छोड़ करके तुलसी का पत्ता ग्रहण करना चाहिए और उसमें भक्तिपूर्वक माधव की पूजा करें। उसके पुण्य फल का पूरा पूरा वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। जो बिना स्नान किए ही देव कार्य या पितृ कार्य के लिए तुलसी का पत्ता तोड़ता है, उसका सारा कर्म निष्फल हो जाता है तथा वह पंचगव्य पान करने से शुद्ध होता है। जैसे बहुत सारे रोगों को तत्काल एक हर्रा जो है नष्ट कर देता है, उसी प्रकार तुलसी दरिद्रता और दुख भोग आदि से संबंध रखने वाले से अधिक पापों को भी शीघ्र ही नष्ट कर देती है। तुलसी जी काले रंग के पत्तों वाली हो या हरे रंग की, उसके द्वारा श्री मधुसूदन का पूजन करने से प्रत्येक मनुष्य विशेषतः भगवान का भक्त नारायण जो है नर से नारायण बन जाता है। जो पूरे वैशाख भर तीनों संध्याओं के समय तुलसी दल से मधुअंता श्रीहरि भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता है। फूल और पत्ती के न मिलने पर अन्न आदि के द्वारा, धान गेहूं चावल अथवा जौ के द्वारा भी सदा श्रीहरि का पूजन करें। तत्पश्चात सर्वदेवमय भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा करें। इसके बाद देवताओं, मनुष्यों, पितरों तथा चराचर जगत का तर्पण करना चाहिए। कालकरणी दुःस्वप्न और दुश्चिंता तथा संपूर्ण दुख पीपल को जल देने से दरिद्रता के साथ ये सारे दुख और कष्ट नष्ट हो जाते हैं। जो बुद्धिमान पीपल के पेड़ की पूजा करता है, उसने अपने पितरों को तृप्त कर दिया है, भगवान विष्णु की आराधना कर ली है तथा संपूर्ण ग्रहों का भी पूजन कर लिया है। अष्टांग योग का साधन, स्नान करके पीपल के वृक्ष का सिंचन तथा श्री गोविंद का पूजन करने से मनुष्य कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। जो सब कुछ करने में असमर्थ हो, वह स्त्री या पुरुष यदि पूर्वोक्त नियमों से युक्त होकर के वैशाख की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तीनों दिन भक्ति से विधि पूर्वक प्रातःकाल स्नान करे तो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और इस संसार में सभी प्रकार के धर्म, अर्थ, काम, सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में मोक्ष पद को प्राप्त करता हुआ अक्षय स्वर्ग को वह प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य वैशाख माह में प्रसन्नता के साथ में भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह तीन रात तक प्रातःकाल एक बार भी स्नान करके संयम और सोच का पालन करते हुए श्वेत या काले तिलों को मधु में मिलाकर यानी शहद में मिलाकर 12 ब्राह्मणों को दान देता है और उन्हीं के द्वारा स्वस्ति वाचन कराता है तथा मुझ पर धर्मराज प्रसन्न हो इस उद्देश्य से देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, उसके जीवन भर के किए हुए पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की पूर्णिमा को मणिक अथवा मटके का दान करता है, जल के घड़े का दान करता है, पकवान तथा सुवर्णमय दक्षिणा का दान करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूं, जिसमें एक ब्राह्मण का घने वन के भीतर प्रेतों के साथ संवाद हुआ था। मध्य प्रदेश में एक धन शर्मा नामक ब्राह्मण रहता था, उसमें पाप का लेश मात्र भी नहीं था। एक दिन वह कुश आदि के लिए वन में गया, वहां उसने एक अद्भुत बात देखी। उसे तीन महाप्रेत दिखाई दिए जो बड़े ही दुष्ट और भयंकर थे। ब्राह्मण धन शर्मा उन्हें देख करके पहले तो डर गया। उन प्रेतों के केश ऊपर उठे हुए थे, लाल लाल आंखें थी, काले काले उनके दांत थे और सूखा हुआ उनका पेट था। ब्राह्मण धन शर्मा ने उनसे पूछा कि तुम लोग कौन हो,
यह नरक की सी अवस्था तुम्हें कैसे प्राप्त हुई? मैं भय से आतुर और दुखी हूँ, दया का पात्र हूँ, मेरी रक्षा करो। मैं भगवान विष्णु का दास हूँ, मेरी रक्षा करने से भगवान तुम लोगों का भी कल्याण करेंगे। भगवान विष्णु ब्राह्मणों के हितैषी है, मुझ पर दया करने से वे तुम्हारे ऊपर संतुष्ट हो जाएंगे। श्री विष्णु का अलसी के पुष्प के समान श्याम वर्ण है, वे पीताम्बरधारी है, उनका नाम श्रवण करने मात्र से सब पापों का क्षय हो जाता है। भगवान आदि और अंत से रहित शंख चक्र एवं गदा धारण करने वाले हैं, अविनाशी कमल के समान नेत्रों वाले तथा प्रेत को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। यमराज कहते हैं कि हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु का नाम सुनने मात्र से वे पिशाच संतुष्ट हो गए, उनका भाव पवित्र हो गया, वे दया और उदारता के वशीभूत हो गए। ब्राह्मण के कहे हुए वचन के अनुसार उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उसके पूछने पर वे प्रेत इस प्रकार बोले। प्रेतों ने कहा कि हे विप्रदेव, तुम्हारे दर्शन मात्र से तथा भगवान श्री हरि का नाम सुनने से हम इस समय दूसरे ही भाव को प्राप्त हो गए हैं। हमारा भाव बदल गया है, हम दयालु हो गए हैं। वैष्णव पुरुष का समागम निश्चय ही पापों को दूर भगाता है, कल्याण से संयोग कराता है तथा शीघ्र ही यश का विस्तार करता है। अब हम लोगों का परिचय सुनो। यह पहला कृतघ्न नाम का प्रेत है, इस दूसरे का नाम विदेवत है और तीसरे जो कि मैं हूँ, मेरा नाम अवैशाख है। इन तीनों में मैं अधिक पापी हूँ। इस प्रथम पापी ने सदा ही कृतज्ञता की है, अतः इसके कर्म के अनुसार इसका नाम कृतघ्न हो गया। किए हुए उपकार को न मानने वाले को कृतघ्न कहा जाता है। हे ब्रह्मन, यह पूर्व जन्म में सुदास नामक द्रोही मनुष्य था, सदा कृतज्ञता किया करता था, उसी पाप से यह इस अवस्था को प्राप्त हो गया। अत्यंत पापी धूर्त तथा गुरु और स्वामी का अहित करने वाले मनुष्यों के लिए भी पापों को छूटने का उपाय है, परंतु कृतज्ञ के लिए कोई भी प्रायश्चित बिल्कुल नहीं है। इस दूसरे पापी ने देवताओं का पूजन किए बिना ही सदा अन्न का ग्रहण किया है, भोजन किया है। इसने गुरु और ब्राह्मणों को कभी दान नहीं दिया है, इसलिए इसका नाम वेदेवत हुआ। यह पूर्व जन्म में हरिवीर नाम से विख्यात राजा था, 10,000 गांवों पर इसका अधिकार था। यह रोष अहंकार तथा नास्तिकता के कारण गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने में तत्पर रहता था। प्रतिदिन पंच महायज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही यह भोजन करता था और ब्राह्मणों की निंदा किया करता था। उसी पाप के कारण यह बड़े बड़े नरकों का कष्ट भोग करके इस समय विदेवत नाम का प्रेत बन गया है। और मैं जो हूँ, मेरा नाम अवैशाख है, मैं तीसरा प्रेत हूँ। मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, मध्य प्रदेश में मेरा जन्म हुआ था। मेरा नाम गौतम था और गोत्र भी गौतम ही था। वासपुर गांव में निवास करता था। मैंने माधव मास में यानी वैशाख महीने में भगवान माधव की प्रसन्नता के उद्देश्य से कभी भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं किया, दान और हवन भी नहीं किया। विशेषतः वैशाख महीने से संबंध रखने वाला कोई भी कर्म मैंने कभी नहीं किया। वैशाख में मधुसूदन का पूजन नहीं किया तथा विद्वान पुरुषों को दान आदि से संतुष्ट नहीं किया। वैशाख माह की किसी भी पूर्णिमा को पूर्ण फल प्रदान करने वाला कोई भी कर्म मैंने नहीं किया। मैंने स्नान दान शुभ कर्म पूजा तथा पुण्य के द्वारा उसके व्रत का पालन भी कभी नहीं किया, इसलिए मेरा नाम वैदिक फल सारा निष्फल हो गया और मेरा नाम अवैशाख हो गया। प्रेत होकर के सब और विचरता हूँ। हम तीनों के प्रेत योनि में पड़ने का जो कारण है वह मैंने आपको बताया है। अब तुम हम लोगों का पाप से उद्धार करो, क्योंकि तुम विप्र हो, ब्राह्मण हो, ब्राह्मण पुण्यात्मा होता है, साधु पुरुष तीर्थों से भी बढ़कर है। वे शरण में आए हुए महान से महान पापियों को भी नरक से तार देते हैं। जो मनुष्य सदा गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है तथा जो केवल साधु पुरुषों का संग करता है, उनमें साधु संग करने वाला पुरुष ही श्रेष्ठ है। अतः तुम मेरा उद्धार करो। अथवा मेरा एक पुत्र है जो धन शर्मा नामक विख्यात है, स्वामिन तुम उसी के पास जाकर ये सब बात कहो। हमारे लिए इतना परिश्रम करो, जो दूसरों का कार्य उपस्थित होने पर उसके लिए उद्योग करता है उसे उसका फल मिलता है। वह यज्ञ दान और शुभ कर्मों से भी अधिक फल का भागी होता है।
यमराज कहते हैं कि हे ब्राह्मण, उस प्रेत का वचन सुनकर के धन शर्मा को बड़ा दुख हुआ। उसने यह जान लिया कि यह मेरे पिता है जो नरक में पड़े हुए हैं। तब वह सर्वथा अपनी निंदा करते हुए बोला। धन शर्मा ने कहा कि हे स्वामिन, मैं ही गौतम का यानी आपका पुत्र धन शर्मा हूँ। मैं आपके किसी काम न आया, मेरा जन्म निरर्थक है। जो पुत्र आलस्य छोड़ करके अपने पिता का उद्धार नहीं करता है, वह अपने को पवित्र नहीं कर पाता है। जो इस लोक और परलोक में भी सुख का साधन नहीं बनता है, वह संतान किस काम की है? विस्तार कर सके वही संतान या तनय माना जाता है। इस लोक में धर्म की दृष्टि से पुरुष को दो ही गुरु है, पिता और माता। इनमें पिता ही श्रेष्ठ है, क्योंकि सर्वत्र बीज की ही प्रधानता देखी जाती है। पिताजी, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे आपकी गति होगी? मैं धर्म का तत्व नहीं जानता, केवल आपकी आज्ञा का पालन ही करूंगा। वह प्रेत बोला कि बेटा, घर जाओ और यमुना नदी में विधि पूर्वक स्नान करो। आज से ठीक पांचवें दिन वैशाख की पूर्णिमा आने वाली है, जो सब प्रकार की उत्तम गति को प्रदान करने वाली है तथा देवता और पितरों के पूजन के लिए उपयुक्त है। उस दिन पितरों के निमित्त भक्तिपूर्वक तिल मिश्रित जल, जल का घड़ा, अन्न और फल का दान करना चाहिए। उस दिन जो श्राद्ध किया जाता है वह पितरों को हजार वर्षों तक आनंद प्रदान करने वाला होता है। जो वैशाख की पूर्णिमा को विधि पूर्वक स्नान करके 10 ब्राह्मणों को खीर का भोजन करवाता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो धर्मराज की प्रसन्नता के लिए जल से भरे हुए 7 घड़े का दान करता है, वह अपनी 7 पीढ़ियों को तार देता है। बेटा, त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा पूर्णिमा को भक्त परायण होकर के स्नान, जप, दान और हवन और माधव का पूजन करो, और उससे जो फल प्राप्त होगा हम लोगों को समर्पित कर देना। ये दोनों जो प्रेत है, ये मेरे परिचित हो गए हैं, अतः इनको इसी अवस्था में छोड़ करके मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता हूँ। इन दोनों के पापों का भी अंत का समय आ चुका है। यमराज कहते हैं कि ब्राह्मण, बहुत अच्छा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने घर चला गया। वहां जाकर उसने सब कुछ उसी तरह किया। वह प्रसन्नतापूर्वक परम भक्ति के साथ वैशाख स्नान और दान करने लगा, और वैशाख की पूर्णिमा आने पर उसने आनंद पूर्वक भक्ति से स्नान किया और बहुत सा दान करके सबको पृथक पृथक पुण्य प्रदान किया। उस पवित्र दान के संयोग से वे सब आनंद मग्न होकर के जो है इस मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं, विमान में बैठ करके तत्क्षण स्वर्ग को चले गए। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ व धन शर्मा भी श्रुति, स्मृति और पुराणों का ज्ञाता था। वह चिरकाल तक उत्तम भोग भोग करके अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त हो गया। अतः यह वैशाख की पूर्णिमा की परम पुण्यमयी और समस्त विश्व को पवित्र करने वाली इस कथा को जो कोई भी सुनता है, सुनाता है, उसका जो है सारा जीवन धन्य हो जाता है। अतएव मैंने संक्षेप में तुम्हें इसका महत्व बतला दिया है। जो वैशाख माह में प्रातःकाल स्नान करके नियमों के पालन से विशुद्ध चित्त हो भगवान मधुसूदन की पूजा करते हैं, वे ही पुरुष धन्य है, वे पुण्यात्मा है तथा वे ही संसार में पुरुषार्थ के भागी है। जो मनुष्य वैशाख माह में सवेरे सवेरे जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके संपूर्ण नियमों से युक्त होकर के भगवान लक्ष्मीपति की आराधना करता है, वह निश्चय ही अपने पापों का नाश कर डालता है। जो प्रातःकाल उठकर के श्रीहरि विष्णु की पूजा के लिए गंगा जी के जल में डुबकी लगाते हैं, उन्हीं पुरुषों ने समय का सदुपयोग किया है, वे ही मनुष्यों में धन्य तथा पाप रहित है। वैशाख माह में प्रातःकाल नियम युक्त हो मनुष्य जब तीर्थ में स्नान करने के लिए पैर बढ़ाता है, उस समय श्री माधव के स्मरण और नाम कीर्तन से उसका एक एक पग अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य देने वाला होता है। श्रीहरि के प्रीतम वैशाख माह के व्रत का यदि पालन किया जाए तो यह मेरु पर्वत के समान बड़े बड़े उग्र पापों को भी जला करके भस्म कर डालता है। हे विप्रवर, तुम पर अनुग्रह होने के कारण मैंने यह प्रसंग संक्षेप में तुम्हें बता दिया है। जो मेरे कहे हुए इस इतिहास को भक्तिपूर्वक सुनाएगा या सुनेगा, वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा तथा उसे लोक परलोक में जो है सुखों की प्राप्ति होगी, और कभी भी उसको यमलोक में नहीं जाना पड़ेगा। वैशाख माह के व्रत का विधिपूर्वक पालन करने से अनेकों बार किए हुए ब्रह्म हत्याधिक पाप नष्ट हो जाते हैं, यह बात निश्चित है।
वह पुरुष अपने 30 पीढ़ी पहले के पूर्वजों और 30 पीढ़ी बाद की संतानों को भी तार देता है, क्योंकि अनायासी नाना प्रकार के कर्म करने वाले भगवान श्री हरि को वैशाख माह सबसे अधिक प्रिय है। यह सभी मासों में सबसे अधिक प्रिय है तो वह वैशाख माह है। वैशाख माह में वैसे तो पूरे महीने स्नान दान पुण्य कर्म करना चाहिए, लेकिन कोई मनुष्य यदि पूरा वैशाख माह स्नान दान पुण्य नहीं कर सकता है तो केवल वैशाख पूर्णिमा के दिन जल्दी स्नान करके दान पुण्य कर लेता है तो उसे संपूर्ण वैशाख माह का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मात की जय। गजानंद गणपति भगवान की जय। गिरिराज धरण की जय। श्री यमुने महारानी की जय। श्री गंगे महारानी की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। तो भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा और हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक, भक्तजनों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। और साथ ही यदि अभी तक आपने हमारे और आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।